गए हुक्मा? अरे बेवकूफा, पैरों में क्यों बैठा है? आखिर में पता चल गया अब्बा जी, पुत्र पानी 6 फुट का मैर हुक्म क्यों ना हो, कद उसका प्यो के पैरों से ऊंचा नहीं होता। ओए पुत्रा, ओए हुक्मा, ओए सियाणा हो गया कि तमला हो गया? अल्लाह जानता है सियाणा हो गया हूं अब्बा जी, इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं माफ कर दो अब्बा जी, माफ कर दो। ना बैठा रहे, बैठ मेरा पुत्र बैठ। तशरीफ रखो जनाब। ओए हुक्मा, किस बात की बेचैनी है? मर गया है बाली, हाय लग गया है, फांसी हो गई उसे, अब तो यही है कहीं तेरे आस पास। मिला नहीं है तुझे? मिलेगा भी नहीं, डर गया होगा। और डरेगा भी क्यों नहीं, तू पूरा मैर हुक्म है पुत्रा, पर वो शौदा निरा बाली। ले पिछले साल की खबर भी सुन ले, मुबारक पिछले साल भी नहीं आया, पता चला है वहां किसी मेम से शादी कर ली है उसने, सारा दिन क्लब में और सारी रात पब में होता है। उसके पुत्र का फोन आया था एक, तो मुझे कहने लगा कि हेलो हाय ग्रैंडपा, तेरे पुत्र से मतलब पूछा तो कहने लगा दादाजी कह रहा है आपको। मैंने कहा पिटे मुंह तेरा मुबारका। बाकी हुक्म याद बहुत आती है तेरी। याद बहुत आती। गुटलियां संभाल लेती हो ना? बस कर दे मैरो मिसा, 22 साल के रोजे बहुत होते हैं। बाली मरा नहीं है मेर साहब, बाली जिंदा है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है।
मुझे ये बता, मैं कौन? आप नया चिराग है बाजी। और तेरा कौन हूं? हमारे तो अब्बा जी आप। अब्बा जी मैं हूं पुत्र जी, तो मर्जी किसकी चलेगी? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी चलेगी अब्बा जी। मेरी मर्जी चलेगी। तो पुत्र जी ये बात आप अपने बड़े भाई साहब को भी समझाए ना, किसी ने मिछित्र खाएगा मुझसे। आपका लाडला अब्बा जी अपनी मर्जियां तो करेगा। और मैंने तो पुत्र इस लाड में यही समझा है, जो आपका लाडला होता है आप उसके लाडले नहीं होते। सत्या रसूलुल्लाह। ओ मरियम, ओ बानो पुत्री, और देखो भाई मेहरुन निसा ने रोजा खोल लिया है। गुटलियां संभाल लेती हो ना? जी बेगम जी, अब तो हुक्म जी की बरसी पर आधी गुटलियां आपके रोजे वाली ही हैं। शरबत दो। रोजा खोल लिया है मैडम? जी मेहर साहब, रोजा खोल लिया। बस कर दे मैरून निसा, बस कर देना। 22 साल के रोजे बहुत होते हैं, और मुझ पे यकीन कर, मर गया बाली, फांसी हो गई है उसे। तुम दोनों जाओ यहां से। फांसी की खबर मिली है मेहर साहब, डेड बॉडी नहीं मिली। डेड बॉडी दिखा दो मुझे, मैं रोजा नहीं रखूंगी। मेहरुन्निसा, वो डेड बॉडी कहां से लाऊं? और लाश को कब्र से कैसे निकालूं? मैं दिल से गम को कैसे निकालूं? आपका हुक्म मेरा गम है मेहर साहब। वो फांस बनकर मेरे दिल में अटक गया है, चुपता है तो लगता है पाली अभी मरा नहीं। साल में एक खत्म दिलाने से बात खत्म नहीं होगी मेहर साहब। मेरी नमाज का वक्त हो गया है। अपनी मां को समझा लाडले, उससे कह के रोजे रखने छोड़ दे, खाना खाए। हुक्म ख्वाब में आके पूछता है कि मेहरों ने क्या खाया, मैं कहता हूं खजूर। अगली रात फिर आके पूछता है कि आज मेहरों ने क्या खाया, मैं कहता हूं खजूर। जब से फौत हुआ है 8032 खजूरें खाई हैं उसने, रोटी नहीं खाई। वो मर गया ना दादाजी? क्या नाम था उसका? बाली। बाली मर गया है पुनार साहब, मर गया है बाली। और ये बात मैं इतनी दफा बता चुका हूं कि अब तो मुझे डर लगता है कि सुन के जिंदा ना हो जाए।